नमस्कार साथियों, मैं अभी प्रधानमंत्री संग्रहालय में हूँ। प्रधानमंत्री संग्रहालय अभी जो बना है पीछे, पिछले साल देश को आज़ादी के अमृतकाल पूरे होने पर नरेंद्र मोदी जी ने देश को सौंपा था। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि देश के जो आज़ादी के बाद से जो भी प्रधानमंत्री देश में हुए हैं उनके बारे में अलग अलग यहाँ पे 14 अलग अलग गैलरियाँ बनी हुई है। आप देखोगे कि उसमें सभी प्रधानमंत्री के बारे में उनकी कार्यशैली, उनकी जीवनी, उनके संघर्ष, उनके राजनीतिक संघर्ष, उनके व्यक्तिगत जो भी उनके कार्य हुए हैं उन सब के बारे में यहाँ पे अच्छे से प्रदर्शन किया गया है। और इस ये सबसे बड़ी कहते हैं कि विरासत को संरक्षण करना अपने आप एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कार्य अब किया है और देश को ये दिखाया है, सामने रखा है देश के सामने कि कोई भी जब यहाँ पे आएंगे देखने के लिए, जब दिल्ली में आएंगे राजधानी में, तो सबसे बड़ी बात है कि पता नहीं चल रहा था कि प्रधानमंत्री के बारे में कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए, देखने के लिए। तो ये जो संग्रहालय बनाया गया है ये अपने आप में एक अभूतपूर्व कार्य है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ताकि यहाँ पे आके प्रधानमंत्री जो भी हुए हैं भारत में उनके बारे में जानने के लिए। और सबसे बड़ी विशेषता है कि 2047 में भारत कैसा होगा, ये एक यहाँ पे एक अलग से एक गैलरी बनी हुई है, उसमें आप संदेश छोड़ सकते हैं कि 100 साल जब भारत का पूरा होगा 2047 में तो भारत की रूपरेखा कैसे होनी चाहिए। वहाँ पे आप शताब्दी एक जो गैलरी है वहाँ पे आप संदेश छोड़ सकते हैं। युवाओं के लिए एक ये प्रेरणा है, युवाओं को जानने का यहाँ पे बहुत कुछ मिलने वाला है। जब वो जाएंगे तो अंदर देखेंगे कि सभी प्रधानमंत्री के बारे में उनको अच्छे से, बहुत अच्छे से जानने को मिलेगा।